पुष्कर रोड स्थित सिवरेज की पाइपलाइन फूटने से लोग हुए काफी परेशान। अजमेर के पुष्कर रोड रीजनल कॉलेज के नजदीक सिवरेज लाइन कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिसके कारण एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें राजस्थान रोडवेज की बस फंस गई। इस कारण सवारियों के साथ साथ आने जाने वाले कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शहर के अलग अलग इलाकों में सिवरेज और गैस पाइपलाइन खोदी जा रही है, इसके कारण राहगीरों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बीते कुछ दिनों से पुष्कर रोड पर भी सिवरेज लाइन डाली जा रही है, इसी दौरान पानी की पाइपलाइन फूट गई, लेकिन इसकी किसी ने सुध नहीं ली और पानी की पाइपलाइन से सैकड़ों लीटर पानी भी बर्बाद हो गया। सड़क में एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें राजस्थान रोडवेज की बस का पहिया फंस गया और काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया। इसी तरह से आने जाने वाले तमाम राहगीर इस गड्ढे से परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जी भैया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इस कहावत को चरितार्थ करते हुए जिला प्रशासन चरितार्थ कर रहा है। आप इस रोड की हालत देख लीजिए कि इसमें रोड में अभी 2 से 2.5 फीट खड्डा है और अभी भी प्रशासन कहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस कांग्रेस, जब से कांग्रेस सरकार आई है, 2 साल के अंदर कहीं भी इनका प्रशासन पे कोई नियंत्रण नहीं है। ठेकेदार मस्त है और जनता पस्त है, इन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। आज जनता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स के रूप में भरती है और जनता परेशान भी होती है। जो कांग्रेस सरकार ने जनता से वादे किए थे, वो एक जो प्राथमिक चीजें होती है रोड नाली, उसकी आज हालत देख लीजिए। पुष्कर का ये मुख्य मार्ग है, वार्ड नंबर 2 में ये मार्ग आता है और यहाँ पर गहरे 2 खड्डे हुए हैं, जिसमें आज सुबह एक बस फंस गई थी और उसके बस फंस गई, उसमें सारी सवारियां उतरी और हम सब ने उसको धक्का देकर उस बस को निकाला। उसके बाद में कई गाड़ियां और कई लोग उसके अंदर गिरते गिरते बचे हैं, फिर भी प्रशासन ने इसकी कोई आकर सुध नहीं ली। मैं मीडिया के माध्यम से आम जनता से निवेदन करता हूं कि आप इस मांग को उठाइए, बाहर निकलिए, नहीं तो इन लोगों की नींद नहीं उड़ेगी और इनको सबक नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, इन्होंने नगर निगम की गाड़ी आड़ी लगा रखी, इनके पास साइन बोर्ड तक नहीं है, ये क्या करेंगे। इन्होंने एक साथ तीन तीन चार चार रोडों में खुदाई का एक साथ काम कर दिया, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। अगर ये प्लानिंग के साथ करते, साइन बोर्ड लगा के अगर ये काम करते, तो आम जनता परेशान नहीं होती है। आप देख लीजिए किस प्रकार ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, किस प्रकार जनता परेशान हो रही है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये केवल ये आरोप लगाते रहेंगे। मैं कहता हूँ, गहलोत जी कल धरने में कह रहे थे कि ये सरकार निकम्मी है, नकारा है। मैं कहता हूँ गहलोत सरकार निकम्मी नकारा है, इनका कोई प्रशासन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, इनके ठेकेदारों पर कोई नियंत्रण नहीं है और कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम जब तक जनता सहन करते रहेंगे, तब तक ये हमारे ऊपर ऐसे ही करते रहेंगे। जनता से मैं निवेदन कर दूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूं, अगर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई या इसकी सुध नहीं ली गई, तो इसके लिए हम सभी वार्डवासी या क्षेत्रवासी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। परिचय, मैं दीपक सिंह राठौर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजमेर। जी भाई साहब, क्या स्थिति है रोडों की और क्या है? रोडों की स्थिति तो वास्तव में खराब कर रखी है। जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, नगर निगम के द्वारा, निश्चित रूप से रोड सारे खराब हो गए हैं। आम पब्लिक परेशान हो रही, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इनको चाहिए था कि एक साथ काम गली वाइज एक अलग अलग करते, इन्होंने एक साथ सारी गलियों को कर दिया। प्लस पुष्कर रोड जो मेन रोड है, उसकी हालत बदतर होती जा रही है, इसमें रोज जाम लग रहे हैं, खड्डे हो रखे हैं, कई गाड़ियां फंस चुकी है, एक्सीडेंट भी हुए हैं। मेरे साथी भाई ने बताया कि भाई ये कांग्रेस राज में हो रहा है, कांग्रेस राज का कोई लेना देना नहीं, इसमें लापरवाही कुल मिला के जिला प्रशासन की है, जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इनको जिला प्रशासन को चाहिए कि उचित काम करके उसके साथ साथ समाधान भी रखे, पब्लिक का आने जाने का व्यवस्था भी बनाए रखें और उस पर दुर्घटना नहीं हो, ऐसी व्यवस्था बनाए। और जो काम अलग अलग होना चाहिए था, वो एक साथ सारी गलियों में खोद दिया, तो पब्लिक बिल्कुल निकलना ही मुश्किल हो रहा है। किस तरीके की पाइपलाइन है और क्या हुआ? ये सर देखिए, आप ये पुष्कर का मेन मार्ग है जो अजमेर को पुष्कर से जोड़ता है और इस पर काफ़ी रश रहता है रोड पे पहले तो, और इस पर अभी हाल ही में यहाँ पे सीवरेज और गैस की लाइनों का कार्य चल रहा है। जो चल रहा है तो वो तो ठीक है, बाकी इन्होंने जो कार्य किया है, जगह जगह इन्होंने सारे रोड खोद दिए हैं। अभी जो रीजनल कॉलेज का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पे जो इन्होंने कुछ दिनों पहले एक खड्डा करा था,
वो खड्डा आज नीचे बैठ गया है। उसके बैठने से यहाँ पे जितने भी जो बसें कारें जो भी विकल्प है निकल रहे हैं वो सारे उसके अंदर जा जा के गिर रहे हैं। कोई बहुत से तो उसमें गिर भी गए हैं जिनको छोटी मोटी चोटें भी आई है, और रोडवेज गाड़ी भी फंस गई है, सुबह एक पिकअप फंस गई है उस जगह। बाकी यहाँ पर ना तो कोई बैरिकेड लगाया गया है, ना ही कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ चीज़ें लगाई जिससे यहाँ पे लोगों को सुविधा मिले। खोदा और बूर के चल गए, आज सुबह से वहाँ काफ़ी पानी भी निकल रहा है और पूरे खड्डे वैसे के वैसे पड़े हैं। बाकी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, और हमने सुबह से फ़ोन भी किए वहाँ तक कि अभी तक भी वहाँ पे कोई बंदा आके झाँक नहीं रहा है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद ही आएंगे। तो हमारा आपके चैनल से यही माध्यम से कहना है कि इन खड्डों को पूरा जाओ और यहाँ पे कुछ बैरिकेड जो कार्य हो रहे हैं बैरिकेड लगा के करा जाए जिससे लोगों को सुविधा मिले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ कोई बड़ा हादसा जरूर होगा। सुबह तक कितनी गाड़ियाँ फंस चुकी है? सुबह से सर यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ फंस चुकी है, रोडवेज बसें तक फंसी है, पिकअप फंसी है, गरीब लोग हैं बापरे निकल रहे हैं उनके कुछ ना कुछ गाड़ियों में भी नुकसान हो रहा है, गिर रहे हैं पड़ रहे हैं। बाकी अभी तक कोई वो नहीं है, और इनका सिस्टम ही गलत है। लाखों करोड़ों रुपये जनता के खर्च भी हो रहे हैं, बाकी विकास के नाम पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है।